नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के टेमर भीटा गांव के पास शनिवार शाम को 4 साल के नर तेंदुए का शव वन विभाग को मिला था। बताया जा रहा है कि तेंदुए का तार के फंदे लगाकर शिकार किया गया था। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने नर तेंदुए को पोस्टमार्टम के लिए वेटरनरी कॉलेज लेकर आई, जहां जांच में पाया गया कि तेंदुए का शिकार किया गया है। जानकारी लगने के बाद वन विभाग टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से तेंदुए का शिकार करने वाले शिकारियों की तलाश शुरू कर दी। जबलपुर वन विभाग के अमले ने टेमर भीटा गांव में रहने वाले 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया, जिनसे एक निजी स्कूल की दीवार के किनारे तार का फंदा लगाया हुआ था। जबलपुर वन विभाग की टीम ने शिकारी मुन्ना बैगा, प्रमोद बैगा और छोटू ठाकुर को गिरफ्तार किया है। तीनों ही शिकारियों ने तार का फंदा लगाने की बात भी कबूली है। पूछताछ में वन विभाग की टीम ने कहा कि खरगोश, जंगली सुअर और कई अन्य छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए तार का फंदा लगाते थे। इसी तार के फंदे में शनिवार को तेंदुआ जा फंसा और तार लगने के चलते उसकी मौत हो गई। फिलहाल जबलपुर वन विभाग की टीम ने तीनों शिकारियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि शनिवार की शाम को टेमर भीटा गांव के पास एक निजी स्कूल के पीछे तेंदुए के पड़े होने की खबर वन विभाग को मिली थी। इसके बाद वेटरनरी कॉलेज की टीम के साथ डीएफओ मौके पर पहुंची और देखा कि तार के फंदे में तेंदुआ फंसा है, जिसकी मौत हो चुकी है। जबलपुर से वासित खान की रिपोर्ट। डॉग स्क्वाड की टीम भी लेके पहुंचे वहां पे, तो देखे कि एक नर तेंदुआ जो है एक्सीलेटर वायर के फंदे में फंसा हुआ था। जो कमर और पेट कमर वाले हिस्से में फंसा था और मौके में जो है तेंदुआ मर चुका था। फिर मैंने जो है तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया और डॉग स्क्वाड को भी मौके में बुलाया। डॉग स्क्वाड आने पर जो है सर्चिंग शुरू किए तो वहाँ पे घटना स्थल से लगभग 700 मीटर के आसपास जो है एक घर था, जो वहाँ पे डॉग स्क्वाड वाला डॉग जो है घुस गया और वहाँ से कुछ सामग्री जैसे फंदे वगैरह जो हैं ये सब बरामद करवाया है। और वो जिसके यहाँ से बरामद करवाया है वो एक मुन्ना बैगा करके व्यक्ति है, जिसके घर से ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जब मुन्ना बैगा को फिर अपने हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्हें 2 आरोपियों के नाम और बताया था। एक प्रमोद उर्फ संकी बैगा और एक छोटू ठाकुर और पिता भरत ठाकुर को उन्हें बताया था। और ये बताया था कि हम लोगों ने जो है फेंसिंग तार के सहारे, जो खंभे हैं वो फेंसिंग तार के सहारे एक्सीलेटर वायर के फंदा बनाकर जो है वन्य प्राणी जंगली सूअरों को मारने के लिए फंसाया था, जिसमें जो है एक नर तेंदुआ, यंग नर तेंदुआ जो है वो फंस के मृत्यु पारित हुआ है। गिरफ्तारी हो गई, उनको जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।